నాగాల్యాండ్లో సైన్యం కాల్పులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది. పొరపాటున కాల్పులు జరిపినట్లుగా అంగీకరించింది. ఈ మేరకు లోక్సభలో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ప్రకటన చేశారు. నాగాల్యాండ్లో నిన్న సైన్యం జరిపిన కాల్పుల్లో 13 మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అనంతరం జరిగిన పౌరుల దాడిలో ఓ సైనికుడు మృతి చెందారు. దీనిపై పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు దద్దరిల్లాయి. భారతీయ సేనకు నాగాల్యాండ్ కే మౌన్ జిల్లే తిజిత్ క్షేత్ర మే తిరు గావ్ కే పాస్ ఉగ్రవాదియో కి ఆవాజాహీ కి సూచనా మిలి థి. ఇస్కే ఆధార్ పర్ సేనా కే 21 పేరా కమాండో కే ఏక్ దస్తే నే దినాంక 4/12/2021 కి శామ్ కో సందిగ్ధ క్షేత్ర మే అంబూస్ లగాయా థా. అంబూస్ కే దౌరాన్ ఏక్ వాహన్ అంబూస్ కే స్థాన్ కే సమీప్ పహుంచా. उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया. रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई. बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया. जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया. यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया. इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के 1 जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए. अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए. स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं. अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है. पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया. ताजिक पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है. इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की. भीड़ ने COB के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी. इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और 1 अन्य घायल हो गया. प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है. सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्याधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है. सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी. घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया. गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया. कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया. गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो. यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए
कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य